बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस पर हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में आरक्षण की शव यात्रा और स्वर्ण आयोग के गठन का मुद्दा खूब चर्चा में रहा। ऐतिहासिक गांधी चौक पर शोभा यात्रा के बाद समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह भाटिया ने स्वर्ण आयोग के गठन मुद्दे पर विधायक विक्रमादित्य सिंह को खूब घेरा। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर विधायक अपने शब्दों को वापिस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में एक सूत्री कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा विधायक विक्रमादित्य के खिलाफ मूवमेंट खड़ी की जाएगी। यहां तक कि आरक्षण की शव यात्रा और स्वर्ण आयोग के गठन को षड्यंत्र करार देते हुए भाटिया ने विधायक विक्रमादित्य को इसका प्रमुख करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायक विक्रमादित्य सिंह ने क्या कभी इससे पहले निजी संकल्प में मानवता आयोग के गठन का भी जिक्र किया है? और मैं इस मंच पे आदरणीय विक्रमादित्य, जो माननीय स्वर्गीय वीरभद्र जी के पुत्र हैं, आप जीत करके क्या आपने सुन्नी ग्राम शिमला ग्रामीण से केवल सामान्य वर्ग के ही वोटों से आप जीते हैं? 5,000 मतों से आप जीते हैं? क्या उन्हीं के मतों से आप जीते हैं? क्या भविष्य में उन्हीं के मतों से जीतेंगे? क्या आपको लोकतंत्र में बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं है? मुझे दुख होता है कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे भारत की राजनीति में शिखर के ऊपर था, राजा वीरभद्र सिंह, जिनको हम दिल से सलाम करते हैं, उनके जाने के बावजूद भी आपने उनके नाम के साथ क्या खेल खेलना शुरू किया है? मैं चाहूंगा आप अपने शब्दों को भी ड्रा करें। अगर आप अपने शब्दों को भी ड्रा नहीं करेंगे तो हम एक सूत्रीय कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चालू करेंगे, केवल विक्रमादित्य के अगेंस्ट मूवमेंट खड़ी करेंगे। और ध्यान रखें, ये मूवमेंट खत्म होने वाली नहीं है और आपको बिठा के ही दम लेंगे हम। षड्यंत्र के प्रमुख हैं कि आपने सारी व्यवस्था को खराब करके रख दिया, भाईचारे को तोड़ के रख दिया, गांव गांव में SC ST OBC और जनरल के साथ क्लैश आपने करवा दिया। आप इस तरह के निजी संकल्प में कभी आपने अच्छी बात भी कही? क्या निजी संकल्प में आपने ह्यूमैनिटी कमीशन की बात कही? आपने कुछ और अच्छा कुछ क्या कहा, उसका हम स्वागत करते। आप सबको तोड़ रहे हैं। आपको जानकारी है ये कमीशन किनके लिए बनता है? ये डिप्रेस्ड क्लासों की अपलिफ्टमेंट के लिए बनता है। वहीं आरक्षण की शव यात्रा और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर निकाली जा रही पदयात्रा को लेकर भाटिया ने कहा कि हर जिला में SP और DC किस आधार पर इस पदयात्रा की अनुमति दे रहे हैं। भाटिया ने कहा कि सभी जिला के उपायुक्त व SP मर्यादा का आचरण करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 14 अप्रैल तक सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी और घर घर जाकर लोगों को इस विषय पर शिक्षित भी किया जाएगा। षड्यंत्र के प्रमुख हैं कि आपने सारी व्यवस्था को खराब करके रख दिया, भाईचारे को तोड़ के रख दिया, गांव गांव में SC ST OBC और जनरल के साथ क्लैश आपने करवा दिया। आप इस तरह के निजी संकल्प में कभी आपने अच्छी बात भी कही? क्या निजी संकल्प में आपने ह्यूमैनिटी कमीशन की बात कही? आपने कुछ और अच्छा कुछ क्या कहा, उसका हम स्वागत करते। आप सबको तोड़ रहे हैं। आपको जानकारी है ये कमीशन किनके लिए बनता है? ये डिप्रेस्ड क्लासों की अपलिफ्टमेंट के लिए बनता है। आप कौन सी डिप्रेस्ड क्लास है? जिस वर्ग की आप स्वर्ण कमीशन की बात कर रहे हैं, उसके DC हैं, उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके SP हैं, उसके हेडमास्टर हैं और उसके सारी सारा तंत्र उसी का है। उसके बावजूद ये तो अपने आप में एक कमीशन है, जनरल कमीशन ही बोल दो आप इसको, चाहे सरकार बोलो चाहे जनरल कमीशन बोल दो। उसके बावजूद आप उन लोगों के खिलाफ आदमियों को तैयार कर रहे हैं कि वातावरण को खराब करें। मैं बाकी जिलों के SP और DC से भी आग्रह करूंगा कि पहले परमिशन दें, उसके बाद इनको जिले में आने की कोशिश करें और बताएं किस आधार पर आप इनको परमिशन दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ केवल शाब्दिक बात कर रहे हैं, वरना पूरे हिमाचल प्रदेश में हम 14 अप्रैल तक सद्भावना यात्राएं करेंगे, गांव गांव घर घर तक आपके कुकृत्यों को पहुंचाएंगे, ताकि जो अशिक्षित हैं, जो ये बात नहीं समझ पाए हैं, उनको भी हम ये बात समझाएंगे कि वास्तव में कुछ लोग बैठे हुए कर क्या रहे हैं, ताकि सबको जगाया जाए, उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। स्वर्ण आयोग के गठन पर गजब दलील देते हुए समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह भाटिया ने कहा कि संविधान में स्वर्ण शब्द ही नहीं है, स्वर्ण कोई इंसान नहीं है, स्वर्ण धातु है और गोल्डन कमीशन बनाने का औचित्य ही नहीं बनता है। ऐसे में चांदी, तांबा और पीतल का कमीशन बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार को सद्भावना यात्रा भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक निकाली गई। एक ऐसे साथी जो दलित विरोधी कट्टरपंथी स्वर्ण संगठन है, उनको भी एक चेतावनी है आज के दिन कि आप बाबा साहिब द्वारा बनाए गए समरसता को ना तोड़े। मुझे तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कुछ कहने का दिल बोलता है
कि वे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, आप आरक्षण की सब यात्रा की इजाजत दे रहे हो, आप उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट के सब यात्रा की इजाजत दे रहे हो, क्या एट्रोसिटी एक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हो? आपने इस तरह की इजाजत देके क्या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं की है? आपने क्या भारत के संविधान की अवमानना नहीं की है? की है। इसलिए मैं एक बार फिर और ऐसे अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ जो DCSP हैं, वे मर्यादित आचरण करें। इस तरह एक यात्रा जा रही है और सारे जिलों में घूम रही है, क्या दिखाना चाहती है? स्वर्णायोग स्वर्ण कोई इंसान नहीं है, स्वर्ण भारत के संविधान में इंसान के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपने भी संविधान देखा, मैंने भी संविधान पढ़ा, गो थ्रू किया है, कहीं उसमें स्वर्ण शब्द नहीं है। स्वर्ण तो एक सोने के लिए कहते हैं, सोने का कमीशन, देर इज नो नीड एनी गोल्डन कमीशन, आपको गोल्डन कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, फिर पीतल की कमीशन, फिर सिल्वर कमीशन, आप तांबे की कमीशन बनाओ, फिर क्या करना, धातुओं का कमीशन बनाना है, जो गलत बात है। आप ह्यूमैनिटी का आयोग बनाओ, ह्यूमैनिटी कमीशन बनाइए, आप सभी वर्गों की बात उसमें सुनी जाए, हमने कभी इनकार किया है? आप व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का और शव यात्रा जैसे आज आप उठा रहे हो आरक्षण की,